पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव के बाद राहुल गांधी की यात्रा जो है वो लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों में घूम रही है। एक बार फिर से राहुल गांधी जो हैं वो यात्रा पर निकल चुके हैं और मध्य प्रदेश में जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह को भी एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान अग्निवीर योजना पर मोदी सरकार को जम के घेरा। कोविड के पहले सालों से खून पसीना बहा रहे 1.5 लाख युवाओं की सेना में ही भर्ती होनी थी, भर्ती नहीं हुआ तो युवा राजनाथ सिंह के पास पहुंचे। तब राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि कोविड के बाद भर्ती हो जाएगा। युवाओं ने भरोसा कर 3 साल तक इंतज़ार किया, फिर मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि आपकी भर्ती नहीं हो सकती क्योंकि अभी भर्ती अग्निवीर योजना के तहत हो रही है। इस योजना में भी आपकी भर्ती नहीं हो सकती क्योंकि इस योजना के नियम के मुताबिक आपकी उम्र नहीं हुई है। मोदी सरकार ने एक झटके में युवाओं के देश प्रेम की हत्या कर दी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक चिट्ठी जो है वो दिखाई है जिससे राजनाथ सिंह एक्सपोज हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। मैं आंकड़े निकालता हूं। कोविड के समय अग्निवीर से पहले सेना ने 1,50,000 युवाओं को भर्ती का कमिटमेंट दिया। 1,50,000, ठीक है, उनके नाम मेरे पास है। कोविड आता है, उनको कहते हैं देखिए अभी कोविड आया है, आपकी भर्ती अभी नहीं होगी, थोड़ी देर में कर देंगे, ठीक है। 3 साल उनको इधर उधर घुमाया। वो राजनाथ सिंह के पास गए, राजनाथ सिंह जी ने उनको आश्वासन दिया कि कोविड का समय है, थोड़ी देर में आपकी समस्या को हल कर देंगे। मेरे पास चिट्ठी है, देखना चाहते हो मैं दिखा दूंगा आपको। अलंकार, वो चिट्ठी निकालो। उसके बाद उनसे कहते हैं देखिए अब अग्निवीर योजना आ गई, अब आपको हम नहीं ले सकते। 1,50,000 हैं युवा, 5-5 साल उन्होंने वर्जिश की, एक्सरसाइज की, रनिंग की, और आपको अग्निवीर में भी नहीं आने देंगे। क्यों? आप ओवर एज हो गए, आप ना इधर के ना उधर के, जाके आप जानो आपका काम जाना जाने, आप यहां से आउट हो जाओ, ठीक है। मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा देखता हूं भैया ये है कौन। 75% उसमें से ओबीसी, दलित, आदिवासी और उसमें से गरीब जनरल कास्ट के लोग। अब उनका समय बर्बाद कर दिया और फिर उनको निकाल दिया, उनको ना कोई कॉम्पेंसेशन दी, उनको ना अग्निवीर में जाने दिया। और उनकी क्या गलती थी? उनके दिल में देशभक्ति की आग थी, वो गलती थी उनकी। और वो दलित थे, आदिवासी थे, पिछड़े थे, गरीब जनरल कास्ट के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे। तो सेना में एक रास्ता था, वो बंद कर दिया। दूसरा रास्ता होता था पब्लिक सेक्टर। ये देखिए चिट्ठी है, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये राजनाथ सिंह जी की चिट्ठी, इसमें साफ लिखा हुआ है, देख लो। तो वो कहते हैं देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी भर्ती हो जाएगी। 3 साल उनको घुमाया और फिर 1,50,000 हैं वो। अच्छा ठीक है, अगर 10 लड़के होते, 15 होते, 100 होते, वो अलग बात है भाई। 1,50,000 लड़कों को उन्होंने परे कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।